मनु और शत्रुपा को भेजा गया ब्रह्मलोक से इस धरती पर, जब वे आए तो पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी, क्योंकि दीति का ज्येष्ठ पुत्र हिरणाक्ष इस पृथ्वी को लेकर पाताल में चला गया कि बोले पृथ्वी होगी तो यज्ञ होंगे, यज्ञ होंगे तो देवता की शक्ति बढ़ेगी, और देवता की शक्ति बढ़ी तो हम उसे हरा नहीं पाएंगे, तो न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, पृथ्वी को ही रसातल में छुपा दिया। मनुष्यत्रुपा आए, देखे सारे लोग ब्रह्मांड में बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर ही नहीं है। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा पृथ्वी है ही नहीं। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे, भगवान के भक्त जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो चिंता नहीं करते, भगवान का चिंतन करते हैं। ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, आइए हम भी ब्रह्मा के साथ चिंतन करें और भगवान का एक अवतार प्रकट करावे। ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे कि कहां कौन पृथ्वी को लेकर गया होगा। हे ईश्वर, हे कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे करने लगे। क्या हुआ होगा इस संसार में, जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा भगवान आए। एक तो ऐसा दृष्टांत बताइए कि किसी ने हरि को पुकारा हो और हरि न आए हो। हरि ने भजता कोई नी लाज जता नथी जानी, कारण के जेनी सुरता सामर्यानी साथ हरि ने भजता लाज जता हजी सुधी नथी जाए। प्रहलाद ने पुकारा खंबा तोड़ के प्रकट हुए, ध्रुव ने पुकारा आसमान से आए, जिसने द्रौपदी ने पुकारा गरुड़ के ऊपर सवार होकर वस्त्र बनकर पट में लिपट गए बनवारी, गजेंद्र ने पुकारा चक्र लेकर प्रकट हुए। जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा भगवान आए, आज ब्रह्मा जी पुकार रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा समेत भगवान का चिंतन करने लगे, और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। कहते हैं उसी समय ब्रह्मा की नासिका से एक छिद्र प्रकट हुआ, छोटा सा, धीरे धीरे वह छिद्र बड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये वराह शिशु, छोटा सा वराह, छोटा सा शुकर सुवर, धीरे 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 हाथी जितना बड़ा हो गया। ब्रह्मा देखते रह गए, धीरे धीरे पर्वत के समान, धीरे 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 वो वराह, वो भगवान शुकर आसमान को छूने लगे। ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता समझ गए कि कोई साधारण सुवर नहीं, ये भगवान विष्णु ने शुकर अवतार धारण किया है। सब लोग स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा
शुक्र की गर्जना से तीनों लोक कांपने लगा। भगवान वराहदेव, भगवान शुक्र अपनी पूंछ ऊपर करके जब आकाश में उछले, भगवान वराह के बालों से बादल तितर बितर हो गए। भगवान वराह की आंखों से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश पुंज निकल रहा है। भगवान वराह के शरीर के बाल कठोर, सफेद दांत और वज्रमय पर्वत के समान, भगवान वराह देव के दांत। कहते हैं भगवान अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार करने के लिए आकाश में छलांग मार के जैसे ही समुद्र में गिरे, समुद्र फट गया, समुद्र का जल आकाश को छूने लगा और भगवान समुद्र में सबसे पहले रसातल में गए। वसुंधरा अपनी पृथ्वी को दांत में रखकर उनका उद्धार किया। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, पृथ्वी का उद्धार। पृथ्वी को लेकर अपने स्थान पर रखा। हिरणाक्ष को पता चला कि कोई आया, पृथ्वी को लेकर चला गया। हिरणाक्ष अपने हाथों में गदा लेकर भगवान वराह के पास, भगवान वराह के हाथों में गदा, दोनों वीर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। कर सर पर सत हरि अमर कर अनुसार कर परवर धर मेल करे, ए हरि हर सुर अमर पर यति मन हर नटवर मन हर है मन हर मटक लटक काट निकट मुकट शिर सवर नम पट फरड़ फरड़ गद दूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे रंग भर सुंदर श्याम मेरे रंग भर सुंदर श्याम जो कोई नहीं मारो श्याम सुंदर रमे अद्भुत रूप तमाशान युद्ध। मैत्रेय मुनि कहते हैं इतिहास की प्रथम घटना कि जैसे हिरणाक्ष ने गदा का प्रहार किया भगवान के हाथों से गदा गिर गई। हिरणाक्ष का उत्साह बढ़ा लेकिन मूर्ख जानता नहीं था भगवान की लीला चल रही है। गदा छोड़ दी, दोनों हाथों से युद्ध करने लगे, तमाशान युद्ध। और उसी समय युद्ध करते करते भगवान वराहदेव ने निर्णय ले लिया कि अब हिरण्यकश्यपु को मौत के घाट उतारना। जैसे ही भगवान ने हिरणाक्ष को मारने का निर्णय लिया, ये ब्रह्मांड डोलने लगा, धरती हिलने लगी, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए। विंध्याचल मंद्राचल की तलेटी में ध्यान करने वाले महात्माओं के ध्यान भंग हो गए। भयंकर युद्ध और भगवान वराहदेव अपना दिव्य हाथ ऊपर हिरणाक्ष को मारने की पूर्ण दिया। दमक दमक दाहर दव दमक दमक मोर मला युग युग शरद पुकार चातक युग युग किलकर करण करण श्याम श्याम। इस देश में कटी हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए, ऋषि मुनियों की बुझी हुई यज्ञ की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए भगवान वराहदेव ने अपना हाथ उठाया और हिरणाक्ष को जोर से थप्पड़ मारा। कहते हैं कि हिरणाक्ष के हृदय से प्राण निकल गए, मस्तक कट गया और हिरणाक्ष की मृत्यु हुई। देवता प्रकट होकर जय जयकार करने लगे। ये
यज्ञपति भगवान वराह देव की। देवता भगवान की स्तुति करने लगे। आइए जयदेव गोस्वामी की भाषा में हम भी दो शब्द में भगवान वराह देव की स्तुति। वसति दशन शिखरे धरे तव लग्ना शशिनी कलंक तले वनिमग्ना केशव द्रीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव द्रीता शुकर गाये पा प्रकट तो हुए और देवता प्रार्थना करने लगे, लेकिन देवता बैठे बैठे प्रार्थना नहीं कर रहे, देवता खड़े खड़े प्रार्थना, नाचते नाचते प्रार्थना कर रहे थे। जब भगवान का अवतार होता है ना, तो देवी देवता नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, और असुर और राक्षसी जो होती ना, वो दीवाल का टेका देकर खड़े रहकर मुंह बिगाड़ते रहे। હવે મારે એ જાણવું છે કે આમાં દેવતાઓ કેટલા છે ને અસુરો કેટલા છે, આજ દે દઈએ, પ્રમાણ દે દીજીએ, આજ એસા નાચીએ, એસા કીર્તન કીજીએ, ભગવાન પ્રગટ હોય। હા, તમે લોકો એ ગોવર્ધન પરિક્રમા કરી જ મને ખબર છે, લેકિન આજ કેશવ દ્રીતા શુકર રૂપા કેશવ દ્રીતા शुकर रूपा शुकर रूपा केशव द्रीता शुकर केशव द्रीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश जय जगदीश जय केशव द्रीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। यज्ञपति भगवान वराहदेव की श्री कृष्ण भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgobindas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 7506337055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।